अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वकास अहमद और आप देख रहे हैं टैक उर्दू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने कंप्यूटर में मौजूद वीडियोस को सेटअप बॉक्स के ज़रिए अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए मैं ये वाला सेटअप बॉक्स इस्तेमाल करूँगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने सेटअप बॉक्स को अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि वाईफाई राउटर से सेटअप बॉक्स को किस तरह कनेक्ट करना है, तो सेटअप बॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन की मैं डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। सेटअप बॉक्स को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आपने अपने पीसी को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। अगर आपके पीसी में वाईफाई नहीं है, तो आपने लैन केबल के ज़रिए अपने कंप्यूटर को अपने राउटर से कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आपने जो वीडियो अपनी टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, आपने उस वीडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने वीडियो पे राइट क्लिक करना है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, कास्ट टू डिवाइस। कास्ट टू डिवाइस पे जब आप जाएंगे, तो आपको सेटअप बॉक्स मी बॉक्स के नाम से नज़र आएगा। मी बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पे प्ले हो जाएगी। टीवी स्क्रीन पे प्ले होने के बाद वीडियो ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगी और जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं वही प्रोग्राम प्ले हो जाएगा। इस मेथड में ये डिसएडवांटेज है कि आपको हर वीडियो को बारी बारी अपने कंप्यूटर से प्ले करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, जिसमें आपकी सारी वीडियो आपके सेटअप बॉक्स में शो हो जाएंगी और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वीडियो अपने रिमोट से प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपनी यूएसबी ड्राइव लगा के कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, उसी तरह आपके कंप्यूटर की सारी वीडियोस सेटअप बॉक्स में शो हो रही होंगी और आप कोई भी वीडियो को सिलेक्ट करके प्ले कर सकेंगे। उसके लिए सिर्फ आपका कंप्यूटर ऑन होना ज़रूरी है। जब भी कंप्यूटर ऑन होगा, तो ऑटोमेटिक वो सारी वीडियोज़ आपके सेटअप बॉक्स में शो होने लग जाएंगी। उसके लिए आपने सर्च बार पे जाना है, वहाँ पे मूवीज़ एंड टीवी को सर्च कर लेना है। मूवी एंड टीवी को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोल्डर ऐड किया हुआ है, मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा से ऐड करके दिखा देता हूँ। मूवीज एंड टीवी की ऐप ओपन हो गई है। इसमें आपने पर्सनल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है, ऐड अ फोल्डर। ऐड अ फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आप फोल्डर ऐड वीडियोस का ऐड करना चाहते हैं, आप कोई एक फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। इस टाइम मैं सिर्फ आपको एक फोल्डर ऐड करके दिखाऊंगा। अब मैं ये वाला फोल्डर ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे मेरे पास ऐड हो गया। इसको मैं डन करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा और इसमें जितनी भी वीडियो है वो सारी यहाँ पर शो हो गई हैं। इन सब को ऐड करने के बाद आपने मीडिया सर्वर पे जाना है और यहाँ से इसको आपने प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद अब हम टीवी स्क्रीन पे चलते हैं। अब ये जो जितनी भी वीडियोज हैं, ये सारी आपके पास आपकी टीवी स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। इस स्क्रीन को मूवीज एंड टीवी ऐप को आप क्लोज कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपने रिमोट की मदद से
ऐप्स को सिलेक्ट करना है और उसमें होम मीडिया ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने वीडियोस पे जाना है और यहाँ पे देखें आपका कंप्यूटर नीचे शो होने लग गया है। मेरा कंप्यूटर यहाँ पे शो हो रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें देखें कि मेरे पास तीन फोल्डर शो हो गए हैं, पिक्चर, प्लेलिस्ट और वीडियोस। अब मैं वीडियोस पे चला जाता हूँ। वीडियोस पे जाने के बाद आपके पास भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा फोल्डर शो हो जाएंगे। इसमें जो मैंने फोल्डर ऐड किए वो फोल्डर वाले फोल्डर के अंदर ही शो होगा, इसलिए मैं फोल्डर्स वाले फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो फोल्डर मैंने अपने कंप्यूटर पे ऐड किया था वो फोल्डर यहाँ पे शो हो गया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास चार वीडियोस जो वहाँ पे थी वो सारी ओपन हो गई है। अगर मैं पहली वीडियो पे को प्ले करूँगा तो उसके बाद पहली वीडियो ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिक दूसरी वीडियो प्ले हो जाएगी, तीसरी वीडियो प्ले हो जाएगी और चौथी वीडियो प्ले हो जाएगी। इसके अलावा मैं अपनी मर्ज़ी से दरमियान से भी कोई वीडियो को प्ले कर सकता हूँ, पॉज भी कर सकता हूँ, रिवाइंड भी कर सकता हूँ, फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। अब मैं सेकंड वाली वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, इसको मैं ओके करूँगा तो ये देखें मेरी वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो गई है। अब वो वीडियो ख़त्म हुई है तो ऑटोमेटिक दूसरी वीडियो पे चला गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।